क्या हाले? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, दीन दुनिया की खुशियाँ दे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाऊंगी लाल लोबिया। ये मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखा है। इसको रात को भिगो के रखो तो बहुत ही अच्छा बनता है। ये मैंने रात को, याद नहीं रहा, मैंने सुबह भिगोया, सुबह सुबह। तो अभी 2-2.5 घंटे इसको हो गए हैं, तो माशाल्लाह ये मोटा मोटा हो गया है। जिस पानी में भिगो के रखते हैं इसको साफ करके, अच्छे तरीके से वॉश करके, फिर उस पानी में भिगो के जिसमें रखते हैं वो पानी निकालते नहीं है, इसी में गजाइयत होती है। ये देखे ना पानी का कलर, तो इसी को मैं चढ़ाऊंगी। कुकर में मैंने भिगो के रखा था तो कुकर में ही मैंने डाला है। तो अभी चूल्हा जलाती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने चूल्हा जला लिया है, इसको मैं बंद करूंगी। अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैंने पानी डाला है और एक चुटकी मीठा सोडा डाल के इसको मैं बंद कर दूंगी। ये मैंने खोल के देखा, माशाल्लाह लोबिया मेरा गल चुका है। ये माशाल्लाह लोबिया बिल्कुल बिल्कुल गल चुका है, ऐसा ही हमें चाहिए। ये बड़े साइज का मैंने एक प्याज लिया है, डाला है। कितनी मजे का बनता है लोबिया साथ, चावल बॉयल कर किए हो वैसे भी रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी होता है, मजे का होता है, हेल्दी होता है। माशाल्लाह कल लगाती हूँ। ये बड़े साइज का एक टमाटर मैंने काट लिया है, 2 सबुज मिर्ची काट ली है, ये कश्मीरी मेरे ज्यादा चम्मच, रेड मेरे ज्यादा चम्मच, नमक असली जरूरत, हल्दी आधा चम्मच, मसाले इतने मजेदार में जो मसाले हैं वो ही जाएंगे। तो वो मैंने कभी मसाले बाहर के मसाले कभी नहीं खाने में डाले, घर के ही डालती हूँ माशाल्लाह, और बहुत ही टेस्टी हेल्दी मज़े की लगती है। अंडी आज ग्राउंड हो चुके हैं, इसमें यह अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ। माशाल्लाह अदरक लहसुन करती है तो बहुत ही प्यारी खुशबुएं आती हैं, घर की चीज की तो बात ही कुछ और होती है। माशाल्लाह ये टमाटर भी डालती हूँ, ये सब मिर्च भी डाल देती हूँ, ये मसाला भी डाल देती हूँ। माशाल्लाह कलर चेक करें मसाले का, कितना ही खूबसूरत आया है, रेड रेड आया है। इसमें अभी जाएगा दही, दही डालना है तो इसको छोड़ना नहीं हिलाना, ये मैं बार बार हर वीडियो में कहती हूँ, वरना दही फट जाता है। माशाल्लाह ये चेक करें कितना मज़े का बना है, ऐसे भी रोटी के साथ कुछ चीज़ सब्जी वगैरह ना हो तो ऐसे भी बना के रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है, टेस्टी होता है। मसाला अच्छा बना हो तो सालन कोई भी बनाओ, आंडिया अच्छी बनती है माशाल्लाह, मैश होए हो मसाला अच्छा लगता है। ये देखिए मैश हो चुका है मेरा मसाला, मैं साथ साथ चमची से मैश भी करती रहती हूँ। ये खड़ा खड़ा नहीं होना चाहिए, टमाटर और प्याज सालन में नजर नहीं आने चाहिए, बिल्कुल मसाला भुजा हो, अच्छा मैश हो तो सालन कोई भी सब्जी वगैरह हो मजे की बनती है, दाल हो सब्जी हो। थोड़ा सा लोबिया इतना ले के इसको तो मैश करना चाहिए कि जो इसका शोरबा बनता है ना वो गाढ़ा सा बन जाता है, पतला पतला पानी पानी नहीं होता। इस मसाले में इतना सा लोबिया डालें, उसको ऐसे मैश कर दें, चम्मच के साथ कर दें, जो कुंडी डंडा होता है उसके साथ कर लें ऐसे। ये बिल्कुल मैश हो चुका है माशाल्लाह, ये जितनी ग्रेवी बनेगी इसकी ये गाढ़ी थिक बनेगी। अभी इसमें मैं डालने लगी हूँ सारा लोबिया, माशाल्लाह ये मैंने लोबिया सारा डाल लिया है इसमें। अभी इसका ये जो
शोरबा होएगा ना ये थे गाढ़ा होएगा, ये माशाल्लाह बहुत ही मजे का होता है। साथ चावल हों रोटी के साथ, शाम के टाइम तो चावलों के साथ अच्छा लगता है और दिन में रोटी के साथ अच्छा लगता है। तो ये देखिए इतना मोटा मोटा गल गया है बढ़िया बिल्कुल एवान। अगर पतला आपको चाहिए तो अभी इस पैर में पानी डाल सकते हैं, शोरबा पतला चाहिए तो डाल सकते हैं पानी जितना आपकी मर्जी है। ये माशाल्लाह हमें तो इतना ही चाहिए बस। ये मेरा तैयार हो चुका है, अभी इसको डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखें इतना ही मजे का खुशबू आ रही है, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी। ये देखें माशाल्लाह बहुत मजे का है, इसमें सब्ज़ मिर्ची डालती हूँ, थोड़ा सा धनिया डालती हूँ, ये चिकन है माशाल्लाह इतना मजे का बना है, इतना टेस्टी बना है। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना ख्याल रखना, अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।